अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं। वर्डप्रेस विद ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग विद वर्डप्रेस की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी थर्ड वीडियो में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लाइक हमने नेविगेशन सॉरी मेन्यू नेविगेशंस और लाइक कैटेगरीज वगैरह किस तरह से सेटअप करनी है और अपने मेन्यूज़ को किस तरह सेटअप करना है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि लाइक जो हमारी ब्लॉग है वो किस तरह से सेटअप होती है। तो ये ब्लॉग की जो है लोकेशन सॉरी आपको जो लाइक इसकी जो लुक है वो आपको ये दिख रही है। अब हम ये देखेंगे कि हमने इस पर मेन्यूज़ किस तरह से क्रिएट करने हैं और कैटेगरीज़ कैसे बनानी है। मेन्यूज़ बनाने के लिए पहले कैटेगरीज़ या पेजेस का बनना ज़रूरी है, किसी पोस्ट का होना ज़रूरी है ताकि उसको आप मेन्यू के ऊपर लेके जा सकें या आप कस्टम मेन्यू भी बना सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम कुछ कैटेगरीज़ हैं, इस कैटेगरीज़ को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको एज अ नेविगेशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी बनाने के लिए हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद कैटेगरी का नाम लिखेंगे ग्राफिक्स, और उसके बाद नेम पे जाके स्लग पे जाके इसको लिख कर, अगर कोई पेरेंट कैटेगरी है लाइक आप उसको दूसरी कैटेगरी का चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे अगर बात की जाए हमारे जो कोर्सेज जो शेयर हो रहे हैं अभी, मैं उसकी आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि जैसे अगर आप फ्री कोर्सेज के मेन्यू पे जाएंगे umariftakhar.com पे, तो आप ये ज़रा नोट करेंगे कि रेडिट पे जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे तो ये फ्री कोर्सेज ऑब्लिक रेडिट आ रहा है। इसका मतलब ये कि कैटेगरी फ्री कोर्सेज थी और उसकी सब कैटेगरी हमने रेडिट बनाई है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करनी है, और अगर आप इसको पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो पेरेंट कैटेगरी रखें, और चाइल्ड कैटेगरी बनाना चाहते हैं चाइल्ड कैटेगरी रखें। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं क्योंकि कुछ थीम्स जो होती हैं वो डिस्क्रिप्शन लेती हैं, डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट करती हैं। जैसे कि हमारी जो ये जो थीम है सईफा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आता है तो आप चाहे तो यहाँ से जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो जाएगी आप देखेंगे कि लाइक यहाँ पे ये मौजूद हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी कैटेगरी भी बना लेते हैं थीम्स, और इसको ऐड कर देते हैं, और मज़ीद जो है वो एक और हमारी कैटेगरी है कोर्सेस, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी करने के बाद आपने ये देखा ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड हो गई। मज़ीद कैटेगरी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी का चाइल्ड बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेन्यू बनाने के लिए हमने क्या करना होगा? अच्छा, हम चाहें तो पेजेस को भी एज अ मेन्यू ले सकते हैं, तो एक और दो पेज हम और क्रिएट कर लेते हैं। ऑल ये जो पेजेस का ऑप्शन होता है यहाँ पर जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और मैं बनाऊँगा लाइक अबाउट अस का पेज बनाऊँगा, प्राइवेसी का पेज बनाऊँगा और कॉन्टेक्ट का पेज बनाऊँगा। अबाउट अस, और इसको पब्लिश कर दूंगा। इसी तरीके से ऐड न्यू पे जाकर कॉन्टेक्ट अस का पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, ये हमारे तीनों पेजेस डिज़ाइन हो गए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, इसको मैं पॉलिसी के नाम से रख रहा हूँ, इसी में सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें वेबसाइट्स के लिए होना ज़रूरी हैं, वेबसाइट हो या ब्लॉग हो। तो ये पेजेस भी हमारे क्रिएट हो गए और हमारी कैटेगरीज भी क्रिएट हो गई। इसके बाद मैं मेन्यूज़ पे जाऊंगा, पेरेंट्स के अंदर जाकर मेन्यूज़ पे क्लिक करूंगा, और मेन्यूज़ पे जाके मैं देखूंगा कि लाइक जो पहले सबसे पहले मैं अपने मेन्यू का नाम दूंगा, मेन मेन्यू कोई भी नाम दे दें, आप अपना नाम दे दें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखें ये सारे पेजेज़ आ रहे हैं, यहाँ से पेजेज़ आप ऐड करना चाहें ऐड कर दें। अबाउट पॉलिसी को मैं अलग रखूँगा और ऐड टू मेन्यू करता हूँ, और इसके बाद मैं पोस्ट हमारी हेलो वर्ल्ड एक और जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है वो भी हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मतलब कोई भी पोस्ट को हम एज अ मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम लिंक में ये होता है कि लाइक आपने मिसाल है मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ और इसको एज अ कस्टम मेन्यू शुरू में ले लेता हूँ। इसको मैं होम लाइक जो हमारा होम जो मेन्यू होगा इसको मैंने यहाँ पर लिंक देकर उसका नाम दिया और ये मेरे पास मेन्यू बन गया। मेन्यू को उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक वर्क करता है ये। इसके अलावा आप कोई भी और मज़ीद जो मेन्यू बनाना चाहें, किसी और वेबसाइट को लिंक करना चाहें या कोई अपना मेन्यू बनाना चाहें लाइक कोई भी लिंक बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर आ गई, व्यू ऑल पे जाके सारी कैटेगरीज को हम सेलेक्ट करेंगे सिवाय अन कैटेगराइज के, ये जनरल होती है और बाई डिफॉल्ट होती है। आप इसको ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसकी पोजिशन सेट कर सकते हैं इस तरह से। और इस थीम में दो ऑप्शन है, एक प्राइमरी नेविगेशन है एक टॉप नेविगेशन है। प्राइमरी नेविगेशन जो है वो यहाँ पर है इस एरिया पर, और जो टॉप जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी नेविगेशन पे क्लिक करके सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे लाइक मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ वेबसाइट को अपने, तो यहाँ पर ये मेन्यू बना हुआ आ जाएगा। टॉप नेविगेशन बनाने के लिए मैं एक और मज़ीद जो है वो मेन्यू ऐड करूँगा। मैंने टॉप मेन्यू के नाम से एक मेन्यू बनाया और इस पर जो है
मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जो मेरा पेज होगा मैं उसको ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद मैं ये टॉप पे क्लिक कर देता हूँ टॉप मेन्यू नेविगेशन पे, और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। हर थीम के ऑप्शंस अपने अपने होते हैं, हर थीम्स के ऑप्शन अलग अलग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ही लाइक उसको एक्सेप्ट करती है। किसी के तीन भी होते हैं प्लेसेस, लाइक एक टॉप पे होता है और एक प्राइमरी होता है और एक फुटर पर होता है या साइड बार में होता है। ये थीम बनाने वाले के ऊपर होता है कि वो किस तरह और किस पोजीशंस में इन मेन्यूज को बना रहा है। तो हम अपनी वेबसाइट देखेंगे तो ये देखेंगे टॉप पे हमारा ये पॉलिसी का पेज का ये लिंक आ गया मेन्यू, और ये देखें ये सारे हमारे जो है मेन्यू इस तरीके से डिज़ाइन हो गए। आप भी चाहें तो इसी तरीके से और अच्छे तरीके से और डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि लाइक कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं और पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। और फर्दर जो है नेक्स्ट पोस्ट में हम प्लगइन्स की सेटअप देखेंगे, फिर उसके बाद हम लाइक सिक्योरिटी पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि लाइक आपने ब्लॉग को किस तरह सिक्योर करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम पोस्ट पर मूव करेंगे, देन उसके बाद SEO और पोस्ट वगैरह क्रिएट करना है ब्लॉगिंग को अच्छे तरीके से और मज़ीद बेहतर समझेंगे। आई होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको नहीं आता बेसिक्स, जिसको नहीं पता वो कम से कम सीख सके, ताकि जब हम एडवांस की तरफ मूव करें तो ईज़िली सबको ये चीज़ें आती हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।